अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग नात पढ़ेंगे। आपके गुले लाला का सफ़ा नंबर 6 पर ये नात मौजूद है। नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, उस नज़म को नात कहते हैं। इस नात में आप ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नात। मैं पढ़ रही हूँ और इसके साथ साथ मुश्किल मायने भी बताती होंगी और उसको समझाती भी जाऊँगी। रसूल हाशमी तुम हो, हबीबे किबरिया तुम हो। रसूल हाशमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका दादा पर दादा का नाम था हाशमी, तो उसका सिलसिला वहाँ से चल रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हबीबे किबरिया तुम हो यानी अल्लाह के दोस्त, खुदा के राजदा तुम हो, हमारे रहनुमा तुम हो यानी अल्लाह ताला के राज से वाकिफ होना, यानी राजदा वाकिफ होना या भेद छुपाना, और रहनुमा यानी रास्ता दिखाने वाला। इस शेर में शायर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर रहे हैं, उनकी सिफात को बयान कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हाशमी खानदान से हैं और अल्लाह ताला के बेहतरीन यानी दोस्त हैं, अल्लाह ताला के राज से वाकिफ हैं यानी कि वो तमाम राजों से वाकिफ हैं, यानी कि तो किसी नबी को इतनी यानी अहमियत तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत, सबसे ज्यादा जो मोहब्बत, जो सबसे ज्यादा लगाव अल्लाह ताला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो अजमत, वो बड़ाई अता की गई है, और अल्लाह ताला के तमाम राजों से वाकिफ हैं और हमारे रहनुमा तुम हो, यानी कि उन्होंने हमें मुसलमानों को रास्ता दिखाया, दीन फैलाया, हमें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे लेकर वो चले। मोहब्बत और सदाकत की हमें तालीम दी तुमने। मोहब्बत का मतलब आपको प्यार और सदाकत का मतलब होता है सच्चाई। अलम बरदार रहमतों के हबीबे किबरिया तुम हो। अलम बरदार मतलब झंडा पकड़ कर चलने वाला। अलम का मतलब होता है झंडा और बरदार का मतलब होता है पकड़ के। अलम बरदार यानी झंडा पकड़ कर चलने वाला। रहमतों, रहमत का मतलब होता है करम, मेहरबानी। हबीबे किबरिया तुम हो। तो इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने प्यार और मोहब्बत और सदाकत ने सच्चाई की तालीम दी, लोगों को बताया कि लोगों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के साथ अच्छे तरीके से पेश आते थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। यानी उन्होंने अपनी जबान से नहीं, अपने अमल से करके बताया, तो लोगों ने उनसे सीखा। अलमबरदार यानी कि वो दीन का झंडा लेके आगे बढ़े, यानी दीन को फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने उनको भेजा था कि उसके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो दीन खत्म कर दिया गया था, और उसके यानी कि और अपने अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे। तो वो अलमबरदार यानी झंडा जो था वो दीन का झंडा था, यानी दीन को उन्होंने फैलाया था, और वो अल्लाह ताला के दो बेहतरीन दोस्तों में से दोस्त थे। तुम्हारे खल की खुशबू से तो आलम महकते हैं। खल का मतलब होता है पैदा करना, यानी लोग मखलूक चीजों को कहा गया है, यानी कि वो चीजें यानी लोग मखलूक उनको पैदा किया। खुशबू से तो आलम महकते हैं यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत यानी कि पूरा ये आलम महकता है। जब इस दुनिया में उनको भेजा गया यानी दुनिया बनाने से पहले, दुनिया जब बनी थी तो बनने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद खल्क हो चुका था, पैदा हो चुका था, लेकिन वो बाद में आए, सबसे आखिर में। सबसे पहले नबी जो आए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, और उसके बाद तमाम अंबिया करम से आए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उनकी वजह से पूरे जहां में दीन आम हुआ। उनकी वजह से दोनों आलम महकते हैं, यानी कि दुनिया और आखिरत उन्हीं के ही दम से महकेगी, उसकी खुशबू से महकेगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तुम्हारा हर अमल प्यारा, खुदा के दिलरुबा तुम हो। दिलरुबा का मतलब होता है दिल लुभाने वाला, प्यार करने वाला, यानी अल्लाह के करीब, यानी कि हर हर उनका अमल, उनका बोलना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये तमाम अमल क्या है, अल्लाह को यानी कि दिल को भाते हैं, अल्लाह ताला उनकी अदाओं को पसंद करता है, यानी उनसे अल्लाह ताला राजी है। तुम्हें कुरान में कितने लकब अल्लाह ने बख्शे, कई शम्सुद्दुहा तुम हो, कहीं बदरुद्दुहा तुम हो। लकब का मतलब वो होता है वो वस्फी नाम जो किसी खास सिफ की वजह से मशहूर हो जाए, वो वस्फी नाम जो जो किसी खास सिफत की वजह से मशहूर हो जाए, यानी जो आपकी जात से यानी कि जिस जात से मनसूब हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मूसा को कलीमुल्लाह कहा गया यानी कि अल्लाह से बातचीत करने वाला, इब्राहिम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह ताला का दोस्त कहा गया, तो ये क्या है, लकब होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी यहाँ पे लकब है। कुरान शरीफ में बता रहे हैं, शेर में बता रहे हैं कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार लकब से
नवाजा है। यानी शम्सुज़्ज़ोहा का मतलब क्या होता है, रोशन सूरज, जैसे सूरज की किरणें पूरे जहां में फैलती जमीन पे पड़ती हैं तो पूरे यानी कि ये नहीं कि सिर्फ एक मखसूस जगह पे सूरज की किरणें पड़ती, पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कहीं भी हो, तो वो पूरी दुनिया में उसकी किरणें फैलती हैं, वो एक मखसूस जगह पे नहीं पड़ती। तो इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, इस्लाम को बोलबाला हुआ। कहीं बदरुद्दुजा तुम हो, बदरुद्दुजा का मतलब होता है सिया रात को रोशन करने वाला, जैसे दिन है अभी इस वक्त उजाला है, रोशनी है, लेकिन जब रात का वक्त आता है तो फिर रात होती है, अंधेरा छा जाता है। इसी तरह जब रात खत्म होती है तो दिन नुमाया होता है, यानी दिन रोशन हो जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी ऐसी कि यानी लोग बुराइयों में पड़े थे, गुमराइयों में पड़े थे, चोरी डकैती कर रहे थे, लोगों को दर्जा नहीं दे रहे थे, लड़ाई कुटाई मार कुटाई आम थी, शराब जुआ, लोगों औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। तो ये तमाम चीजें किसकी वजह से खत्म हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से तमाम चीजों का खात्मा हुआ। यानी एक नई रोशन सुबह हुई, अच्छी सुबह तुलू हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। तुम्ही को रब्बे आलम ने बुलाया अर्श आजम पर, रब्बे आलम यानी के अल्लाह ताला ने बुलाया, जहां जो दुनिया का मालिक है, बनाने वाला है। अर्श आदम अल्लाह ताला का तख्त, यानी अर्श आदम पे अल्लाह ताला का यानी तख्त मौजूद है, यानी अल्लाह ताला की हुकूमत जिसे कहते हैं हम लोग, वहां अल्लाह ताला मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, और किसी नबी को ये दर्जा हासिल नहीं, यानी कि एक मुकाम पर आके तमाम नबी वहां पर रुक जाते थे, लेकिन वाहिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जो अल्लाह ताला के सामने हाजिर हुए और अल्लाह ताला से बातचीत करी। तो नबुव्वत ऐसी पाई इमामुल अंबिया तुम, यानी इमामुल अंबिया का मतलब क्या होता है, नबियों के इमाम, तमाम नबियों में सबसे बड़ा दर्जा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, यानी उन्हीं पे तमाम नबुव्वत खत्म है। और क्या कहते हैं आप उन्हें देखे कि जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनको लेना आए थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब इनको लेने आए थे तो अल्लाह ताला के पास यानी कि वो लेके जा रहे थे कि आसमान पे एक मुकाम ऐसा था कि उनको रोक दिया गया था और कहा था कि मुझे, मैं अगर इससे आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे, इससे आगे आपको अकेले खुद जाना पड़ेगा। यानी आप देखिए कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी और उनको वहीं पर रोक दिया, और सिर्फ किसको इजाजत मिली, वो कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिनको अल्लाह ताला ने इतना पसंद करते हैं, उनको इतना बड़ा दर्जा दिया है। कहूँ इससे सिवा क्या, सिवा यानी अलावा, जिया के जज्बे ईमान तुम हो, यानी अब शायर यहाँ पे अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए बता रहे हैं, तुम ही हर इब्तिदा हो शाहदी, शाहदी का मतलब, शाह का मतलब होता है आका मालिक, हर इंतहा तुमको हो, इंतहा का मतलब क्या है, इख्तिताम। यानी आप इस शेर में शायर कह रहे हैं, अपने आप को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि मेरा ईमान भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म है, इस आग का यानी तुम्हें हर इब्तिदा हो शादी, यानी कि जो अल्लाह मेरी जो इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है, वो किससे शुरू होती है, अल्लाह ताला का नाम लेकर ही होती है, और इंतहा होती है, ये इख्तिताम होता है, जब खात्मा होता है, जब खत्म होता है तो अल्लाह ताला का नाम लेकर ही खत्म होता है। यानी कि मेरा ईमान, मेरा इतना ईमान मेरा पुख्ता है कि मैं इस ईमान से अपने जरा सा भी डगमगाया नहीं हूँ, और मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है, जहाँ को बनाया है, और उसके बाद तमाम अंबिया आए और उन्होंने हर नबी अपने दौर में आए और ईमान और उन्होंने दीन को फैलाया, लेकिन सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे, उसके बाद सारे अंबिया आए, और सबसे आखिर में यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात यानी कि सबसे पहले खल्क हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में सबसे आखिर में भेजा था कुरान शरीफ के साथ, उन पर कुरान शरीफ नजूल हुआ था, नाजिल हुआ था, और उसकी आयत उन पर नाजिल हुई थी, तो वो कुरान शरीफ लेकर आए थे, उन्होंने बता दिया था कि अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और यहीं पर आपका यानी कि अब उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और जब कोई आएगा तो वो बेदीन हो गए, यानी कि वो दीन से खारिज हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने तमाम खात्मा कर दिया था नबुव्वत का, अब इसके बाद कोई नहीं आएगा। ये बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी बेटा, आपके बुक के गुलेलाला सफ़ा नंबर 7 पर देखिएगा, नए अल्फाज मौजूद है, अल्फाज मायने यह आपको करने होंगे कॉपी में, मारूजी सवालात ये भी आपको नजर आ रहे होंगे, ये भी आपको कॉपी में करने हैं, ये भी आपको कॉपी में मारूजी सवालत भी करने ही आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। उसके अलावा आपको फिर आप पेज टर्न करेंगे सफा नंबर 8 पर, वैसे तो मैंने आपको ये सॉल्व किए हुए सवाल जवाब दिए हुए नाच के मैंने सवाल जवाब दिए हुए हैं, लेकिन इसके सवालात सफा नंबर 8 पर मौजूद हैं।
सफा नंबर 8 पे इसके सवाल मौजूद है, आप लोग वो सवाल देख लीजिएगा। और लेकिन ये मैंने आपको सॉल्व दिए हुए हैं, आप इसी सवाल जवाब को कर लीजिएगा। जो सवाल आपको कहा गया कि खुद करना है वो आपने खुद करना है पढ़कर, और अल्फाज मुतजाद भी दिए गए हैं वो आपने कॉलम बना के लिखना है। और इसके अलावा और आपका होमवर्क जो तफीज दिया हुआ है, यानी तफीज किसको कहते हैं, होमवर्क को कहते हैं, तो आपने अल्फाज मुतजाद आपकी बुक का सफर नंबर 8 पे मौजूद थे और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, वो आपको याद करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।